लोकसभा चुनाव में अंतिम और सातवें चरण का मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां शनिवार को रवाना हो गई। शाम तक अपने अपने बूथों पर डेरा डाल देंगी। गोरखपुर और बांसगांव लोकसभा सीट पर मतदान कराने के लिए सुबह 11 बजे से विश्वविद्यालय परिसर से उनकी रवानगी शुरू हो गई। प्रचार का शोर थमने के साथ प्रत्याशियों और समर्थकों ने डोर टू डोर जनसंपर्क शुरू कर दिया। उधर शहर में जुटे सभी दलों के स्टार प्रचारकों ने शहर छोड़ दिया। 19 मई को लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में गोरखपुर व बांसगांव लोकसभा सीट पर मतदान होना है। इसके लिए शनिवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय कैंपस में 3,434 पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों के लिए रवाना हो गईं। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए 425 मॉडल पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से मतदान करने के प्रतिशत को बढ़ाने का लक्ष्य जिला निर्वाचन की तरफ से रखा गया है। वहीं शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करने के लिए पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स के साथ PSC के जवान भी लगाए गए हैं। शहर में कुल 425 मॉडल बूथ बनाए गए हैं। इन मॉडल बूथों पर मतदाता आकर अपना मतदान कर सकते हैं। इन बूथों पर मिठाई की व्यवस्था की गई है। जो मतदाता पहले आएंगे उन पर फूल बरसाए जाएंगे। वॉलंटियर्स भी लगाए गए हैं। साथ में कूलर और पंखे की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 5 महिला बूथ बनाया गया है, जिसमें पूरी महिलाओं की संख्या होगी, जिससे आम लोगों को ये संदेश जा सके कि महिलाएं भी आगे आकर मतदान कर रही हैं। पहली बार गोरखपुर में सभी बूथों पर व्हील चेयर की व्यवस्था किया गया है। बुजुर्ग, असहाय, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के लिए इन व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। घर से भी मतदाताओं को भी व्हील चेयर के माध्यम से बूथ पर ले जाकर मतदान कराने की व्यवस्था की जा रही है। मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के विजेंद्र पांडे ने पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस प्रशासन और अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हालांकि इस दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि मतदाताओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। मतदान कराकर लौटने के बाद EVM को स्ट्रांग रूम में जमा कराया जाएगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP सुनील गुप्ता और जिला निर्वाचन अधिकारी के विजेंद्र पांडे ने कहा, पार्टी संख्या 810 के पीठासीन अधिकारी, संख्या 507 के तृतीय मतदान अधिकारी, पार्टी संख्या 1373 रमेश चंद्र गांव के जिसका रिमाइंडर आपके सामने।
से, लेकिन और अगर अभी आपके पास ये आ जाए कि वो रिटायर हो गया है या प्रेग्नेंट है, सर तरह की फोर्सेस आई हैं, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, पंजाब पुलिस, बंगाल पुलिस, बहुत सारी तरह की पुलिस आई हैं। किसी भी किस्म से
फोर्स की कमी नहीं है। हर मतदान बूथ पर कम से कम 4 सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं, चाहे वो नॉर्मल है या क्रिटिकल है। और जितने भी क्रिटिकल बूथ हैं, संवेदनशील बूथ हैं, उसमें पैरामिलिट्री डिप्लॉय की गई है। इसके अलावा बहुत सारी क्यूआरटीज़, बहुत सारा आपको डोमिनेशन दिख रहा है। और हम बिल्कुल निष्पक्ष, भय रहित और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए गोरखपुर पुलिस कटिबद्ध है। गोरखपुर बांसगांव सांसदीय क्षेत्र का 3,434 पार्टियां रवाना हो रही है, उस पर जो पार्टी के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स भी हम लोग रवाना कर रहे हैं। उसके अलावा करीब तकरीबन 250 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, जोनल मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, कैमरामैन है, वीडियोग्राफर है, सब लोग हम लोग रवाना कर रहे हैं। वहाँ बूथ में भी पर्याप्त मात्रा में हम लोग तो पूरा सुविधा बढ़ा रखा है। छाया का व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, रैम का व्यवस्था है, व्हील चेयर की व्यवस्था है, और बाकी जो सुविधा का कोई कमी नहीं रहता है। मैं तो बस आपका चैनल के जरिए से अपील करना चाहता हूँ, ये मुश्किल से 5 साल में एक बार मौका मिलता हम लोग का जो मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, ज़रूर कल बाहर निकालें। हम लोग कितने यथासंभव सुविधा दे सकते उतने सुविधा दे रहे हैं। ज़रूर मैं मान रहा हूँ धूप तो है, बट धूप से बढ़ करके देशभक्ति होता है, इसलिए तो कृपया करके बाहर निकल करके एक दिन अपने मनपसंद जो भी कैंडिडेट है उसको चुनिए। वो हम लोग सबका जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत।